So our today's topic is conversion of a pure occurring decimal to the form of p upon q. यानी कि जो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे होते हैं उनको हमें p upon q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट इज रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है 0.1 बार. इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये 1 जो है 1 1 1 1 1 1 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया, बार बार आ रहा है. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज ऐसे क्वेश्चन को पहले एक्स मान लेना चाहिए. लेट एक्स इज इक्वल टू 0.1 का बार. अब क्या करना है कि बार के बाद जो नंबर आ रहा है, बार के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसे कम से कम 3 बार लिखना चाहिए. वैसे तो 2 बार भी चल सकता है. तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0.111. अब देखना है इसे हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन 1. इसे हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन 1. अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है. पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट के ऊपर बार है देन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10. अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार होता है देन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100. हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x कितना हो जाएगा 1.111 से इक्वेशन 2. Dear students, once again I explain our new topic, conversion of a pure recurring decimal to the form of p upon q. Example मान लेते हैं हम 0.1 के ऊपर बार है. किसी नंबर के ऊपर बार आने का मतलब अर्लियर हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है कि इस नंबर के ऊपर बार आने का मतलब बार बार वही नंबर आना. लेट एक्स इक्वल टू 0.1 का बार, इसका मतलब एक डिजिट के ऊपर बार है तो कम से कम हमें उस डिजिट को 2 बार लिखना चाहिए, पर ज्यादा अच्छे आंसर के लिए हम उसे 3 बार लिखें. तो हमने उसे 3 बार लिखा 0.1111 चलता जाएगा, लेकिन हम 3 बार लिखें. लेकिन एक डिजिट के ऊपर बार है इसलिए हम उसे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 2 डिजिट के ऊपर बार हो तो उसे 100 से करेंगे, 3 डिजिट के ऊपर बार हो तो 1000 से करेंगे. तो एक डिजिट के ऊपर बार है इसलिए हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. एज यू नो किसी नंबर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट है वो आपके राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्या आएगा 1.111. हालांकि ये क्या हो रहा है, बहुत बार जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दी, डॉट्स लगा दी. तो जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे उसे हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन 2. अब हमें क्या करना है, ऑलवेज यही स्टेप्स फॉलो करनी है, ऑलवेज सबट्रैक्ट इक्वेशन 1. सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. यानी कि हमें हमेशा इक्वेशन 2 में से ही इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करना है. तो सारी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म में से लेफ्ट हैंड साइड सबट्रैक्ट होगा, 10x माइनस एक्स दैट इज 9x. इधर आप देखिए 1.111 में से इस चीज को माइनस करो तो डेसिमल के बाद सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 0. तो क्या बचेगा, 1. 9x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/9. दिस इज आवर आंसर. ठीक है, वापिस से समझिए क्या कह रहे हैं हम, कि कोई भी आपको जैसे नंबर दे दिया x इक्वल्स टू 0.1 के ऊपर बार है तो हम उस नंबर को इस तरह से मान लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.1 का बार. x इक्वल्स टू 0.111 आपको कम से कम डिजिट को कितनी बार लिखना है, डेसिमल के बाद 2 बार. जो चीज रिपीट हो रही है उसे कम से कम 2 बार लिखना है.
तो हमने तीन बार लिख ली, लेकिन एक डिजिट के ऊपर बार है इससे हम उसे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये डेसिमल आपके राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 10x = 1.111। इससे हमने इक्वेशन क्या दे दी, 2। अब ऑलवेज क्या यूज करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 10x - x = 1। तो बिकॉज 1.11 में से ये चीज माइनस करोगे तो सारे जीरो आएगा, 10x - x = 9x, 9x = 1, therefore x = 1/9। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेट x = 0.2 का बार, 0.2 का बार, देखो एक ही डिजिट के ऊपर बार है इसलिए उस नंबर को हम कम से कम कितनी बार लिखेंगे, जिसके ऊपर बार है कम से कम दो बार, एटलीस्ट ट्वाइस, लेकिन हम तीन बार लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे हम, x = 0.222 और इसे हमेशा क्या बोल देंगे, इक्वेशन में बिल्कुल वैसे ही है जैसा पिछला क्वेश्चन किया था। अब देखो एक ही डिजिट के ऊपर बार है हमारे पास, एक ही डिजिट के ऊपर बार है इसलिए हम क्या कर देंगे, टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट यहां से इस तरह शिफ्ट होगा। किसी नंबर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट आपके राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा, यहां से इस तरफ, और डिवाइड करते तो पॉइंट उधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। दैट क्लियर। तो 10x = 2.222, इसे हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन 2। ऑलवेज क्या करना है डियर स्टूडेंट, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। Subtract equation 1 from equation 2। देखिए equation 2 में से equation 1 को माइनस करना है, 2 में से 1 को माइनस करना है, 10x - x। देखिए 2 - 2, अगेन 2 - 2, पॉइंट और 2 - 0। तो ये पॉइंट के बाद कितने भी नंबर आए 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10x - x विल गिव यू 9x = 2। 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, x = 2/9। यानी कि पॉइंट वन वाला जब हमने क्वेश्चन किया था, पॉइंट वन के ऊपर बार है तो हमारा आंसर क्या आया था, 1/9। पॉइंट टू बार है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2/9। आप लोग अपनी कॉपी में करिए, 0.3 का बार, 0.4 का बार, चेक करिए। देखिए जैसे एक क्वेश्चन ले लिया, जीरो पॉइंट थ्री फाइव का बार, तो सबसे पहले हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, लेट x = 0.35 का बार, जिनके ऊपर बार होता है एटलीस्ट वो पेयर या वो डिजिट हमें एटलीस्ट कितनी बार लिखनी चाहिए, 2 बार, लेकिन हम उसे कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। तो देखिए यू कैन सी ऑन द बोर्ड 0.35
एक पेयर, 3-5 सेकंड पेयर, 3-5 थर्ड पेयर, आफ्टर दैट इनफाइनाइट टर्म। और आप इसी को ही हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन वन। इसको ही हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन वन। अब देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार है, एज आई टोल्ड यू एक ही नंबर के ऊपर बार था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कराया था, या वन और टू दो नंबर के ऊपर बार है। कितने नंबर के ऊपर है बार, दो नंबर के, इसलिए नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। अब हम इसे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, दैट इज 100x। देखिए जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डेसिमल पॉइंट के एक डिजिट इधर शिफ्ट होगा, 100 से मल्टीप्लाई कराने पर, 100 से मल्टीप्लाई कराने पर डेसिमल राइट हैंड साइड में दो डिजिट शिफ्ट हो जाता है, दो प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ अप्रोच करेगा। तो यानी जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसे मैं क्या लिख पाऊंगा, 35.3535। इनफाइनाइट तक चल रही है नंबर्स, इसे हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन टू। ऑलवेज क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, दैट इज 100x माइनस एक्स, 5 माइनस 5 जीरो, 5 माइनस 5 जीरो, ये सारे क्या हो जाएंगे जीरो, और 35 माइनस 0 दैट इज 35, 100x माइनस एक्स 99x will give you 35. Now divide both sides by 99. After that, we get 35 over 99. Similarly, we can find, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, 0.23 bar, करिए अपनी अपनी कॉपी में। Like this, that x is equals to 0.23 bar, that is x is equals to 0.23 23 23, इसे हम equation 1 बोल देंगे। देखिए दो डिजिट के ऊपर बार है, हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां वाला डेसिमल जो है दो डिजिट उधर शिफ्ट हो जाएगा, और इसे हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन टू। ऑलवेज क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन from equation 2, that is 100x minus x 23, ये सारे पॉइंट के बाद तो जीरो होने हैं क्योंकि सेम डिजिट में से सेम डिजिट सब्ट्रैक्ट करने पे ऑलवेज क्या आता है, जीरो। 23 माइनस जीरो दैट इज 23, 100x माइनस एक्स विल गिव यू 99x इक्वल्स टू 23, देयरफॉर
Now multiply both sides by 99, 23 over 99. This is our final answer. Okay, students. Question is, जीरो पॉइंट सेवन फोर फाइव का पूरे का बार, जीरो पॉइंट सेवन फोर फाइव का बार, यानी कि अब हम देखिए, हमने पहले एक डिजिट के ऊपर बार का किया था, ये दो डिजिट के ऊपर बार, इस बार थ्री डिजिट के ऊपर बार है, तो आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को क्या मान लेना चाहिए, एक्स, फिर पॉइंट के बाद हम हमेशा तीन बार डिजिट का रिप्लिकेशन लिखते हैं। आप दो बार लोगे तो भी चलेगा। से इक्वेशन वन, देखिए जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने से ही मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे एक डिजिट के ऊपर बार है, वंस अगेन आई टेल यू एक डिजिट के ऊपर बार है 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, दो डिजिट के ऊपर बार है 100 से कराएंगे, थ्री डिजिट के ऊपर बार है 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं। देन सेवन फोर फाइव पॉइंट सेवन फोर फाइव सेवन फोर फाइव सेवन फोर फाइव, इसे हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन टू, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, थाउजेंड एक्स माइनस एक्स ट्रिपल नाइन आएगा, और यहां कितना आएगा 745, therefore x is equals to 745 over triple 9। ये सारा होमवर्क आप रजिस्टर में करेंगे और उसकी पीडीएफ बनाएंगे।